Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I'm Shivangi Sharma, and here I'm with fifth chapter of the same book, which is Class 8th History. So yes, we are going with the same book. So the fifth chapter है वो है When People Rebel. So rebel का मतलब होता है उनके opposition में जाना और उनका साथ नहीं देना, basically. So 1857 में जो है पहली बार लोगों ने rebel करना शुरू किया था और उसके बाद जो है रिबल चलते रहे थे. ठीक है, सो यहाँ पे एक फोटो है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे सिपाही और पीजेंट्स साथ में मिलके जो कंपनी है उनके खिलाफ, मतलब यहाँ पे उनके खिलाफ हो गए थे. ठीक है, रिवॉल्ट करा था उन लोगों ने. सो पॉलिसीज एंड द पीपल. सो अभी तक हमने चार चैप्टर कवर कर लिए हैं और हमने इनमें पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर जगह पे अलग अलग पॉलिसीज लाई और जिसकी वजह से किंग्स हो, क्वींस हो, पीजेंट्स हो, लैंडलॉर्ड हो, ट्राइबल हो या शोल्डर्स हो, सभी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने इफेक्ट करा. कोई भी खुश नहीं थे उनके पॉलिसी से. हमने देखा काफ़ी लोगों ने उनके पॉलिसीज़ को रेजिस्ट भी किया और काफ़ी उन्हें एक्शंस भी लिया है ना, इन सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट गए थे. सो नवाब्स लॉस्ट देयर पावर. तो मिड एटीन सेंचुरी मतलब 1750s. ठीक है, मिड 18th सेंचुरी में नवाब और जो राजा थे उनका, उनकी पावर में हमें थोड़ी चेंजेस देखने को मिलती है. उनकी जो भी अथॉरिटी है और उनका जो भी ऑनर है वो धीरे 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 ख़त्म होते जा रहा था. ठीक है, सो जो भी रेजिडेंस मतलब वो जैसे आपने देखा होगा कि जो राजा का कोर्ट होता है, सो राजा के कोर्ट में एक राजा होता है और हर जगह, मतलब सपोज यहाँ पे राजा बैठा है तो हर जगह यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट मतलब मंत्री वगैरह बैठा करते थे. राइट, सो यही होता है कोर्ट. और हाँ, यहाँ पे दो राजा के सिपाही जो राजा को पंखा कर रहे थे. ठीक है, सो और तो एक रेजिडेंट यानी कि जो ब्रिटिशर्स का ही एक रेजिडेंट उन्होंने डिसाइड करा कि हर एक कोर्ट में एक एक ब्रिटिशर होगा जो कि मंत्री बन के उधर बैठेगा. और वो क्या करता था, वो ना बहुत ही ज़्यादा तंग करता था राजा को, उसके हर एक चीज़ पर वो टांग अड़ाया करता था. तो इसीलिए उन्होंने जो एक एक रेजिडेंट्स वहाँ पर रख दिए थे ब्रिटिशर्स के. ठीक है, सो काफ़ी रूलिंग फैमिलीज़ आई और उन्होंने मतलब नेगोशिएट किया अपने मतलब इंटरेस्ट को बचाने के लिए. उन्होंने काफ़ी रूलिंग फैमिलीज़ ने ब्रिटिशर्स की इन, ये जो ब्रिटिशर्स ऑर्डर दे रहे थे, जो जो पॉलिसीज़ निकाल रहे थे, उनको उनके अगेंस्ट जा रहे थे. जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जो सिर्फ इतना चाहती थी कि उनका जो अडॉप्टेड सन है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की जब डेथ हो गई थी तो उस टाइम उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट करा था. तो वो सिर्फ यही चाहती थी कि उनको मतलब कि उनके अडॉप्टेड सन को उसके बाद किंगडम में बैठा जाने दे. बट ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे ऐसा. उसके बाद नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, वो सिर्फ इतना चाह रहे थे कि जैसे उनकी फादर की डेथ हो गई है तो उनकी जो भी पेंशन है वो उसके बाद उनके मतलब उसके बाद उनके अडॉप्टेड सन यानी कि नाना साहेब को दे जाए. बट कंपनी ने ये भी मना कर दिया और उन्होंने खुद ही को सिक्योरिटी बना दिया और इन सारी जो भी ये लोग बोल रहे थे करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया. ठीक है, सो अवध सबसे लास्ट टेरिटरी थी, मतलब लास्ट टेरिटरी में से थी इसके बाद, मतलब जिनको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर किया. तो 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस बना दिया गया अवध पे और 1856 पे उसके ऊपर टेकन कर दिया. ठीक है, सो जो जनरल गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने डिक्लेयर करा कि ये जो टेरिटरी है इनको मिसगवर्न करा गया है, मतलब इनको गलत तरीके से गवर्न किया गया है और अब ब्रिटिश रूल जो है इस पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बिठाएगी. मतलब वो ये बोल रहे थे कि जो उस टाइम का राजा है उसने गलत रूल किया है और अब जो ब्रिटिशर्स है वो इस रूल को ठीक करेंगे. वो ऐसा बोल रहे थे कि हम आप ही की हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो कंपनी ने सारे मुगल डायनेस्टी को एक एंड तक पहुंचा दिया. सारे मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो गई और जो भी मुगल किंग्स थे इनके नाम के जो भी कॉइन्स थे उन सारे कॉइन्स को भी मतलब ख़त्म कर दिया गया था. ठीक है, अब वो कोई भी कॉइन उनसे नहीं बना रहे थे. ठीक है, और गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे उन्होंने ये अनाउंस करा कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद उनकी जो फैमिली है उनको रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा. मतलब उस टाइम पे जो भी किंग्स थे वो रेड फोर्ट में रहा, किंग और उनकी फैमिली थी वो रेड फोर्ट में रहा करते थे. तो रेड फोर्ट एक मतलब रेड फोर्ट में रहना एक साइन होता था कि ठीक है हम राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो डलहौजी ने ऐसा बोला कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो दिल्ली में कहीं और उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, बट वो रेड फोर्ट में अब नहीं रहेंगे. ठीक है, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये डिसाइड करा कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग होंगे. मतलब अगर
अगर जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी उसके बाद उनके जो भी बेटे हैं उनको तख्त पे नहीं बिठाया जाएगा, उनको राजा नहीं बनाया जाएगा, वो सिर्फ प्रिंसेस ही रहेंगे, ठीक है, उनको प्रिंस ही बोला जाएगा, वो राजा नहीं बनेंगे। सो अगर आपसे पूछे कि मुगल रूलर का जो लास्ट किंग थे, सो डैट वॉज बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब हम देखते हैं पीजेंट्स और सिपॉय के बारे में। सिपॉय बेसिकली इंडियन वर्ड सिपाही है, तो ब्रिटिशों से सिपाही बोला नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने सिपॉय उसका बना दिया, ठीक है। तो कंट्री साइड में जमींदार और जो पीजेंट्स थे उनको भी मतलब काफ़ी हाई टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करने के काफ़ी रिजिड मेथड से, मतलब काफ़ी अनप्लीजेंट मेथड से वो ज़बरदस्ती रेवेन्यू ले रहे थे। तो कंट्री साइड क्या होता है, हमने डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, कंट्री साइड मतलब विलेजेस, ठीक है। तो जो लोग ये रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, जो भी मनी लैंड और मतलब जब वो नहीं पे कर पा रहे थे, तो वो बेसिकली लोन्स ले रहे थे मनी लैंडर से, और वो लोन्स वापस नहीं दे पा रहे थे, और जब वो ऐसा लैंड वापस नहीं कर पा रहे थे अपना सारा लोन्स, तो उनकी लैंड्स उनसे छिन रही थी, ठीक है। जिस लैंड्स पे वो ज़मानों से मतलब अपना काम करते आ रहे हैं, वो उनसे छिन गई, ठीक है, उस टाइम पे। फिर जो इंडियन सिपॉय है वो काफ़ी काम करते थे, काफ़ी इंडियन सिपॉयज काम करते थे कंपनी में, उन्होंने भी डिसकंटेंट कर दिया, मतलब उनको काफ़ी अलग, क्योंकि उनको भी काफ़ी चीज़ें थी जो पसंद नहीं आ रही थी, जैसे उनकी जो पे है वो काफ़ी कम थी, जिससे वो बहुत अनहैप्पी थे, उनके अलाउंस और कंडीशंस ऑफ सर्विस बहुत बकवास थी, ठीक है। कुछ नए रूल्स को वो ला रहे थे ब्रिटिशर्स, जिनकी वजह से उनका जो रिलीजियस और जो साइंटिफिक बिलीव है वो वायलेट हो रहा था, ठीक है। मतलब उनकी जो भी मान्यता हैं, वो जो वो मानते थे, जो उनका रिलीजन का जो भी मतलब वैल्यूज़ थी वो ख़त्म कर रही थी बेसिकली, ठीक है। सो आपको मतलब बेसिकली कंट्री के लोग ये बिलीव करते थे कि अगर वो सी को क्रॉस कर देंगे तो उनका जो रिलीजन है और उनकी जो जाति है वो ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली एक एक टाइप का सुपरस्टिशन ही है ऑफ कोर्स। तो ऐसा लोग मानने लगे थे कि अगर वो सी को क्रॉस करेंगे तो उनका रिलीजन और उनका जो कास्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1824 में इन सिपाही को बोला गया कि उनको बुर्मा में जाके लड़ाई करनी है, और उनको बुर्मा जाना है सी रूट से, ठीक है। बट उन्होंने मना कर दिया कि हम सी रूट से नहीं जाएंगे, अगर आप चाहो तो हम लैंड रूट से चले जाएंगे, ठीक है। बट लैंड रूट क्या था, बेसिकली थोड़ा बड़ा पड़ता था, और सी रूट थोड़ा मतलब कंपेरेटिवली छोटा था, ठीक है। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनको बहुत ही अलग अलग तरीके से पनिश किया गया, और क्योंकि उन्होंने उनका नहीं माना इसलिए उनको मार दिया गया मतलब एंड में। सो 1856 में कंपनी ने एक नया लॉ पास करा कि जो भी पर्सन कंपनी में आके काम करता है, एम्प्लॉय होता है, तो उसको सारी जो भी उनके एक एग्रीमेंट है उनको साइन करना पड़ेगा, और हर चीज़ में एग्री करना पड़ेगा, और वो फिर डिनाई नहीं करेगा, चाहे उसको ओवरसी क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। तो उसके बाद सिपाही ने ये भी रिएक्ट किया कि उनकी जो फैमिलीज है, उनके इतने बड़े बड़े उनकी फैमिलीज है, वो तो विलेजेस में ही रह रही हैं अभी भी, है ना, तो उनको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उनसे इतना अलग तरीके से वो इतनी हार्शली उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे। तो सिपाही को ये भी लगा कि हमारे साथ तो बुरा हो ही रहा है, बट घर पे विलेजेस में हमारे घर वालों के साथ भी बुरा हो रहा है। तो उनका जो एंगर है वो बहुत जल्दी बढ़ गया, पीजेंट्स हो या सिपाही हो, ठीक है। अब देखते हैं रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। सो ब्रिटिश ये बिलीव करती थी कि जो इंडियन सोसाइटी है ना उसको रिफॉर्म करना चाहिए, मतलब उनको ऐसा लगता था कि जो इंडियन सोसाइटी है ना वो बहुत गंदी है और उसको हमें मतलब ठीक करना चाहिए। फिर उन्होंने ना काफ़ी लॉ पास करे। सो इधर ध्यान देना, उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी गलत थी इंडिया में, और ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ हटाई, तो विच इज़ काइंड ऑफ गुड। सो सती क्या थी, सती में बेसिकली होता क्या था कि जब किसी भी वुमेन, सपोज दिस इज़ अ वुमेन, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ उस वुमेन को भी जिंदा वहाँ पे चिता के साथ जला दिया जाता था, ठीक है। सो और साथ साथ में बोलते थे सती मैया की जय, सती मैया की जय, ठीक है। सो विच इज़ नॉट करेक्ट, आप जिंदी औरत को कैसे जला सकते हो। सो ये प्रैक्टिस जो थी ब्रिटिशर्स ने हटा दी, अबॉलिश कर दी, जो कि सही बात है। और उन्होंने विडोज़ की रीमैरिज को भी इनक्रेज करा, मतलब जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, जो विधवा हो जाती है उनकी भी उन्होंने रीमैरिज को मतलब प्रमोट किया। सो विच इज़ काइंड ऑफ गुड, ठीक है। ये चीज़ें ऑफकोर्स गलत थी हमारे इंडिया में जो हो रही थी, तो ये उन्होंने हटाया, ठीक है। फिर इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया हमारी कंट्री में, कि इंग्लिश भी सीखना चाहिए, इंग्लिश लेवल में एजुकेशन दी। फिर 1830 में कंपनी ने जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं उनको फ्री फंक्शन करने के लिए मतलब फ्री दे दी, और उनको सारे लैंड और प्रॉपर्टी भी उनके कुछ दे दी। सो बेसिकली ये जो मिशनरीज होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, मतलब लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं बेसिकली।
तो 1850 में ब्रिटिशर्स ने एक नया लॉ पास करा जिसमें से अगर आपको धर्म चेंज करना है, धर्म चेंज करके क्रिश्चियन बनना है, तो एक मतलब आपको इतना सारा वो नहीं था, आप इजीली आप कर सकते थे। तो इस लॉ से काफ़ी लोगों को मतलब पता चल गया कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो सोशल कस्टम है और हमारा ट्रेडिशनल वे है इसको मतलब ख़राब कर रहे हैं। सो ये जो लॉ था जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें बेसिकली क्या होता था कि अगर आप अपना धर्म चेंज करते हो तो उसके बाद भी जो आपके फादर है या आपके पूर्वज है उनकी प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। बेसिकली इससे पहले क्या होता था कि अगर आप धर्म चेंज कर देते हो तो आपके पूर्वजों की जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो आपके नाम पर नहीं रहती थी। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे बता दिया थ्रू द आइस ऑफ पीपल। अब लोगों के नज़रिए में क्या था, यहाँ पे हमारे पास दो सोर्स है। तो ये पहला सोर्स है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। सो बेसिकली ये जो है ये माझा प्रवास की एक बुक से निकाला है जो कि विष्णु भट्ट ने लिखी थी, विष्णु भट्ट गोडसे ने, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे महाराष्ट्र के। तो बेसिकली वो और उनके अंकल एक यज्ञ को अटेंड करने जा रहे थे मथुरा में, बट विष्णु भट्ट ने लिखा कि उन्हें रास्ते में बहुत सारे सिपाही मिले और उन्होंने ऐसा बोला कि आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज आने वाले 3 दिन में जो है एक बड़ा अपील होने वाला है। ठीक है, तो सिपाही ने बोला कि ये जो भी इंग्लिश के लोग हैं ये हमारा रिलीजन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। और उन्होंने 84 रूल्स अनाउंस करे हैं जिसमें से कोई भी जो है मतलब एक कोई भी रूल हम नहीं अपनाना चाहते, हम रिफ्यूज़ करना चाहते हैं। सो डैट इज़ वाई कि यहाँ पर एक रिवोल्ट चलने वाला है, तो आपको यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड सोर्स है वो है देवर सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक 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 पर्सन के बारे में है जो कि है सूबेदार सीताराम पांडे। तो सीताराम पांडे जो है उन्होंने ना 1812 में वो एक सिपाही बने और उन्होंने मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स के अंडर 48 ईयर्स तक काम किया, उनको सर्व करा, और 1860 में उन्होंने रिटायर कर लिया। सो बेसिकली उन्होंने ना ब्रिटिशर्स को बहुत सारे रिबेलियन में हेल्प करा। सो यहाँ पे हमारे कंट्री के लोग भी ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे। यही कारण था कि ब्रिटिशर्स इतने बड़े एरिया का मतलब इतने बड़े एरिया उन्होंने अपने अंडर कर लिया, बिकॉज काफ़ी इंडियंस भी थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे। ठीक है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, सो यही है यहाँ पर। और एक ये वाला सोर्स है हमारे पास। सो इसमें बेसिकली क्या है कि उस टाइम पे एक नई गन, एक नई राइफल इंट्रोड्यूस हुई। सो जिसकी कार्टेज थी उसको ना मुंह से निकालना पड़ता था। ठीक है, सो उसमें ये रूमर फैला कि पता नहीं वो सच था कि नहीं था, बट उधर उसमें ऐसा लिखा गया, उसमें ऐसा बताया गया कि उसकी जो कार्टेज है उसमें पिग्स और काउस का जो फ्लैश है, जो मीट है मतलब जो फैट है, उससे उसको मतलब ग्रीस किया गया है, वो उससे वो चीज़ बनी है। ठीक है, सो बेसिकली अब ऐसा हो गया तो अब जो लोग थे, अब पिग्स है तो पिग्स को जो मुस्लिम्स है वो नहीं खा सकते, काउस को हिंदू नहीं खा सकते, तो फिर अब वो भी वो ज़बरदस्ती चलवा रहे थे जिसकी वजह से लोगों का मतलब धर्म भ्रष्ट हो रहा था बेसिकली। ठीक है, अब म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी क्या होता है, म्यूटिनी होता है रिवोल्ट है। ठीक है, जब सोल्जर्स अपने मतलब आर्मी के ऑफिशियल्स का रू का जो ऑर्डर्स है वो डिसोबे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रूल्स और जो रूलर होता है और जो रूल्ड होता है उनके बीच का जो स्ट्रगल है वो अनयूजल नहीं है। ऑफ कोर्स अनयूजल होता मतलब होता रहता है रिवोल्ट। सो ये एक पॉपुलर रेजिडेंस बन गया है। तो अगर मतलब अगर हमें पावर, जो भी स्टेट की पावर है, अगर उसको तोड़ना है तो काफ़ी बड़े बड़े मतलब काफ़ी लार्ज नंबर के लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया है कि हम सभी का जो है कॉम एनिमी एक ही है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि वो उस एनिमी के अगेंस्ट साथ में खड़े होंगे, एक ही टाइम पे खड़े होंगे। ऐसा सिचुएशन बना, पीपल ऑर्गेनाइज करने लगे, कम्युनिकेट करने लगे, उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया और कॉन्फिडेंस भी वो लोग गेन करने लगे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में 1850 जब ऐसी सिचुएशन बनी 1857 में, तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है मतलब 1857 में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी ऐसी सिचुएशन बन गई। ठीक है, 100 मतलब इतने 100 सालों का कॉन्क्वेस्ट था और एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने काफ़ी रिबेलियन फेस करे जो कि मई में स्टार्ट हो गए थे 1857 में। ठीक है, और कंपनी की प्रेजेंस जो थी इंडिया में वो थोड़ा सा मतलब डगमगा गई उस टाइम पे। फिर हुआ क्या कि जो सिपाही थे उन्होंने अलग अलग जगह पे, मेरठ के अलग अलग जगह पे और अलग अलग जगहों के अलग अलग मतलब लोगों ने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह रिबेलियन स्टार्ट हो गया था। सो इससे क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में जो कॉलोनिज्म हो रहा था उससे एक बड़ा मतलब हमें
वो देखने को मिलता है कि कैसे लोग रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 में एक यंग शोल्डर थे जिनका नाम था मंगल पांडे, उनको उनको हैंग कर दिया गया था, मतलब उनको फांसी में चढ़ा दिया गया था, बिकॉज उन्होंने उन्होंने बारकपुर में अपने एक ऑफिसर्स को अटैक कर दिया था, ठीक है, उनके ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए उनको फांसी पे लटका दिया गया था। कुछ सालों के बाद उस रेजिमेंट के जो भी सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ये ना ही हम आर्मी ड्रिल करेंगे इन नई कार्टिजेस के साथ, ठीक है, जिस पे ये डर था कि इन पे जो फैट लगे वो काउज और पिग्स का है, ठीक है। तो 85 सिपाही को ऐसे ही सर्विस से डिसमिस कर दिया गया और 10 साल की जेल में उन्हें डाल दिया गया, ताकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मतलब ऑफिसर्स को डिसोबे किया। तो ये सब कुछ हुआ था 9 मई 1857 में। इसके रिस्पॉन्स में जो और इंडियन शोल्डर्स थे मेरठ में, वो मतलब उन्होंने को भी थोड़ा थोड़ा सा लगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो उन्होंने 10 मई फिर क्या हुआ कि 10 मई में जो भी शोल्डर्स थे उन्होंने मेरठ की जो जेल है उधर वो लोग गए और उन्होंने सारे सिपाही को खोल दिया, छुड़ा दिया, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिशर्स ऑफिस में अटैक करा और काफ़ी ऑफिसर्स को मार भी दिया, ठीक है। उन्होंने सारी गन्स और जो भी अम्यूनिशंस थे, मतलब जो भी हथियार थे, वो अपने अंडर कर लिए और बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी पे फायर मतलब आग जला दी, ठीक है। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो फिरंगीज के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, ठीक है। फिरंगीज उस टाइम पे इन्हीं लोगों के लिए यूज़ किया जाता था वर्ड्स, ठीक है। फॉरन टर्म्स रिफ्लेक्टेड द एटीट्यूड ऑफ कंटेंटमेंट, ठीक है। फिरंगी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो ये जो भी शोल्डर्स थे उन्होंने बोला कि अब ये जो रूल करते थे हमारी कंट्री पे, इसका तो अब हम एंड ले आ देंगे, इनको तो जाना ही पड़ेगा। बट अब रूल कौन करेगा इस लैंड पे? तो जो सारे जो भी सोल्जर्स थे उन्होंने आंसर दिया इस क्वेश्चन का कि मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। ये जो भी सिपाही थे ये सारे 10 मई की रात को चले गए दिल्ली पे और सुबह ही वो लोग पहुंच गए उनके पास और उन्होंने रिविलियन स्टार्ट कर दिया अगेन। फिर उसमें भी काफ़ी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया और जो भी आर्म्स थे मतलब जो भी हथियार थे उन्होंने फिर से अपने अंडर कर लिया और सारे जो बिल्डिंग थे उनमें आग लगा दी, ठीक है। और फिर सारे जो शोल्डर्स है वो रेड जो लाल किला की दीवारों के पास इकट्ठा हो गए, ठीक है, जहाँ पे बादशाह रहा करते थे, अभी तक बाहर नहीं निकाला था बिकॉज अभी वो जिंदा थे, ठीक है। सो उन्होंने डिमांड करा कि हमें उनसे मिलना है, तो एम्परर ने बोला कि ठीक है। वैसे वो करना नहीं चाह रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्योंकि उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी, बट शोल्डर्स ने प्रसिस्ट किया तो उन्होंने वो फोर्स हो गए कि मतलब चलो पैलेस में, वो पैलेस में गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को लीडर घोषित कर दिया, ठीक है। बहादुर शाह जफर उस टाइम पे काफ़ी एज हो गए थे, उनकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी, तो उन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने जो चीफ्स थे और जो रूलर्स थे कंट्री के उनको आगे बढ़ाया और बोला कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करनी है, ठीक है। और ये जो एक स्टेप उठाया बहादुर शाह जफर ने उसका बहुत ग्रेट इम्प्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो जो मुगल डायनेस्टी है उसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत बड़े बड़े रूलर्स थे, ठीक है। तो इतने सारे रूलर्स डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी के मुगल रूलर्स के बिहाफ पे गए और उन्होंने ब्रिटिश रूल का जो एक्सपेंशन है उसको थोड़ा डराया, थोड़ा थ्रेटन किया और काफ़ी मुगल एम्परर्स उन्होंने काफ़ी रूल किया उन जगहों पर, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी टेरिटरी पे रूल किया अगेन मुगल अथॉरिटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम तो उन्होंने छीना था उनसे, है ना, जिस पे वो राज किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सब कुछ होगा, उनका ये इस डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी जो कार्टेजेस थे वो मतलब मर गए। फिर बहादुर शाह जफर ने डिसीजन किया कि वो इस रिवेलियन को मतलब और मतलब चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों ने क्या किया, जब पीपल ने एक अल्टरनेटिव देखा पॉसिबली, तो उन्होंने इंस्पायर हुए और एंथुसियास्ट हुए और उन्होंने करेज दिया, होप दिया और कॉन्फिडेंस दिया बहादुर शाह जफर ने नॉर्मल पीपल को, ताकि वो एक्ट कर सके। अब जो ये रेबिलियन है ये बढ़ता चला जा रहा था। तो देखो, जब ब्रिटिशर्स दिल्ली में पहुंचे और वहां पे मतलब लगभग एक वीक के लिए कोई अपराइजिंग हुआ ही नहीं, तो उन्होंने ये पूरा टाइम जो है ट्रैवल पे लगा दिया था और मतलब इन मुटिनीस का में यानी कि रिवोल्ट का जो स्पोर्ट है वो बढ़ने लग गया था, ठीक है। रेजिमेंट से लेकर रेजिमेंट हर कोई ट्रोप्स जो है वो दिल्ली पे जा रहा था, अब कानपुर और लखनऊ में भी पहुंच गया था, ठीक है। उसके बाद लोग टाउन से लेके टाउन्स हो या विलेजेस हो वो खड़े हुए, उन्होंने रिबेल किया और जो लोकल लीडर्स थे जमींदार हो गए, चीफ हो गए, वो उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। नाना साहिब जो कि पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, जो कि कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और ब्रिटिशर्स के जो
मतलब गैरिजन थे सिटी में, उसको हथिया लिया, अपने अंडर कर लिया, ठीक है। और वो खुद फिर से पेशवा बन गए, ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर करा कि वो गवर्नर है बहादुर शाह जफर के अंडर, ठीक है। फिर लखनऊ हो गया ब्रिजिश, फिर लखनऊ में जो ब्रिजिश कदर है, जो नवाब वजील अली शाह के बेटे थे, उन्होंने प्रक्लेम करा नए नवाब, और उन्होंने भी एक्नॉलेज करा कि बहादुर शाह जफर की इन्होंने जो किया है, मतलब उनको सपोर्ट किया बेसिकली। उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी काफ़ी एक्टिव पार्ट लिया इन चीज़ों पे, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपराइजिंग में हेल्प करी। फिर झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी ये रिबेल को ज्वाइन करा और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करा तांतिया तोपे के साथ, ठीक है। फिर जो जो जनरल थे नाना साहेब के, जो मतलब तांतिया तोप नाना साहेब के जनरल थे, ठीक है। फिर जो कि मध्य प्रदेश के मंडाला रीजन में थे, रानी अवंतीबाई लोधी फ्रॉम रामगढ़, उन्होंने भी रेस, वो भी खड़े हुए, और उन्होंने लगभग 4,000 ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी और अपनी जगह की एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ले ली, ठीक है। ब्रिटिश बहुत ही मतलब ग्रेटली आउट नंबर थे, और क्योंकि इतने सारे रेबल फोर्सेस हो रही थी, उन्होंने बहुत सारी मतलब बैटल्स में वो लोग हार गए, और इसकी वजह से जो ब्रिटिश रूल के जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब ब्रिटिश कोलैप्स होने लग गए धीरे धीरे। जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो और लोगों का और बढ़ा, और लोगों ने रिबेलियन पे ज्वाइन और रिबेलियन को ज्वाइन करा, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे जो भी पॉपुलर रिबेलियन थी वो मतलब बढ़ती जा रही थी। उसके बाद अवध जैसी जगहों पे बहुत बड़ा अमाउंट में हमें रिबेलियन देखने को मिला, ठीक है। 6 अगस्त 1857 में हमें एक एक काइंड ऑफ एक लेटर रिसीव होता है लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर से, जो कि मतलब कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने डर बताया। उन्होंने बोला कि हमारे मैन जो है वो मतलब बहुत सारे हमारे अपोजिशन में हैं, और एंडलेस फाइटिंग हो रही है, ठीक है। हर विलेज का मतलब हर विलेज हमारे खिलाफ है, और हर जमींदार हम सर जमींदार हमें अपोज कर रहा है, ठीक है। काफ़ी नए लीडर्स आए, फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह, और जो कि फैज़ाबाद के एक मौलवी थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो लग तो ऐसा रहा था कि धीरे धीरे एंड आ जाएगा और वो ख़त्म हो जाएंगे, और लोगों की इमेजिनेशन ये थी, जिसकी वजह से जो है उनको काफ़ी ह्यूज फोर्स मिली सपोर्टर्स की, ठीक है। फिर वो लखनऊ में आ गए ब्रिटिशों से लड़ाई करने के लिए, दिल्ली। फिर दिल्ली पे बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और जो रिलीजियस वॉरियर्स थे वो सारे साथ में हुए, सारे सफ़ेद लोग, वाइट पीपल, मतलब अंग्रेज जो भी सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, इन सभी को हटाने के लिए। फिर भगत खान जो एक शोल्डर थे बरेली के, उन्होंने भी मतलब फाइटर्स की काफ़ी लार्ज फोर्स इकट्ठा करी और दिल्ली में आ गए वो भी। फिर वो की मिलिट्री लीडर बन गए इस रेबेलियन के। बिहार में जो पुराने ज़मींदार थे कुमार सिंह, उन्होंने भी ये रेबल को ज्वाइन करा और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी महीनों तक उन्होंने लड़ाई करी, ठीक है। जो लीडर्स थे फाइटर्स थे अलग अलग जगहों से, उन्होंने फाइट को ज्वाइन करा, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो कंपनी चुप तो नहीं बैठी, इन्होंने बोला हम भी कुछ करेंगे। इस सारा जो हो रहा था उससे उन्होंने सोचा कि इस रिवोल्ट को हमने रिप्रेस तो हमें करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो फिर रीइन्फोर्समेंट आए इंग्लैंड से, जिसमें नए नए लॉज थे और रिबेल भी हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि दिल्ली को रिकैप्चर करा, और मतलब जो भी रिबेल फोर्सेस थे उसे दिल्ली को रिकैप्चर करा 1857 में। और जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने मतलब अपने कोर्ट पे ट्राई करा कि और बट उनको ना लाइफ इम्प्रिजन की मतलब सेंटेंस दे दिया गया कि वो ज़िंदगी भर अब उसमें रहेंगे, जेल में रहेंगे। फिर उनकी और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को जेल में डाल दिया गया, रंगून की जेल में, अक्टूबर 1858 में। और बहादुर शाह जफर उसी जेल में नवंबर 1862 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। जब दिल्ली को रिकैप्चर कर दिया गया, हावेवर ये दिल्ली रिकैप्चर हो गई बट इसका मतलब ये नहीं था कि रिबेलियन ख़त्म हो गया। पीपल फिर भी रेसिस्ट कर ही रहे थे ब्रिटिश का, उनके अगेंस्ट लड़ाइयाँ अभी भी कर ही रहे थे। ब्रिटिश ने लड़ाई लड़ी लगभग 2 साल के लिए, और मतलब जो ये पॉपुलेशन, जो पॉपुलर रिबेलियन था, इनके बड़े बड़े मैसिव फोर्स को उन्होंने सरपेस कर दिया था उस टाइम तक। फिर लखनऊ 1858 की मार्च में लखनऊ भी
उनके अंडर चला गया बिकॉज रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई और उनको मार दिया गया 1858 में। और जो रानी अवंतीबाई थी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो खेरी की लड़ाई थी वो भी ब्रिटिशर्स जीत गए जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और वो मतलब वो हर तरफ से ब्रिटिशर्स से घिर गई थी। तांतिया तो अपने किसी तरह से वो जंगल से एस्केप करने की कोशिश करी सेंट्रल इंडिया में, बट वो एक मतलब जो गुरिल्ला वॉर थी उनसे उसके साथ लड़ाई करते करते उनको काफ़ी ट्राइबल्स और पीजेंट्स लीडर का भी सपोर्ट मिला, बट उनको भी कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया अप्रैल 1859 में। ठीक है, फिर ऐसी ही विक्टोरियस लड़ाइयाँ लड़ी गई अगेंस्ट ब्रिटिश और बट रिबेलियन जो था वो तो एनकरेज रहा, बट जो रिबेल फोर्सेस थी उनका मतलब हार गए वो लोग और ये जो एनकरेज था ये डिसर्शन में बदल गया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स अब फिर से ट्राई कर रहे थे कि वो पीपल के अब मतलब लॉयलिटी जीत सके। फिर उन्होंने अनाउंस करा कि जो भी लैंड होल्डर्स हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपने सारे ट्रेडिशनल राइट इन्जॉय करें अपनी जगहों पे, और उन्होंने जिन्होंने रिबेल करा था उनको सबमिट मतलब उनको बोला कि अगर उन्होंने किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारा है तो ब्रिटिशर्स उनको मतलब छोड़ देगी, उन पर इतना वो नहीं करेगी। ठीक है, वो सेफ है और उनके राइट्स और उनके जो क्लेम्स हैं उनको डिनाई नहीं किया जाएगा। नेवरदलेस काफ़ी जो सिपाही थे जिन्होंने रिबेल करा और जो नवाब और राजा थे उनको मतलब हैंग कर दिया गया था आफ्टर मौत। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रीगेन करा पूरा कंट्रोल बाय द एंड ऑफ 1859, और मतलब बेसिकली जो भी ये लैंड थी उस दर सेम पॉलिसी ही चल रही थी। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो हमें देखने को मिले इस चीज़ के बाद। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने 1858 में एक नया एक्ट पास किया जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको बोला जो ब्रिटिश क्राउन थी यानी कि क्वीन थी उन्होंने बोला कि तुम लोग भाड़ में जाओ, अब हम आए हैं और हम राज करेंगे 1858 में। मतलब 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स की एक प्राइवेट कंपनी थी वो आके यहाँ पर मतलब राज कर रही थी, बट 1858 में ऑफिशियल ब्रिटिश क्राउन आकर इंडियन अफेयर्स के ऊपर मतलब उन्होंने ये बोला कि हम ही मैनेज करेंगे और हम ही अब यहाँ पे राज करेंगे। ठीक है, जो भी रूलिंग चीफ थे कंट्री के उनको एश्योर करा गया कि उनकी जो टेरिटरी है उसको फिर से वो अपने अंडर नहीं करेंगे, फिर से उधर हमला नहीं होगा, और उनका अलाउ कर दिया गया कि तुम अपने किंगडम्स बनाओ, उन्हें हायर करो, अपने अडॉप्टेड सन्स को भी तुम्हें जहाँ रखना है तुम रखो, जो बनाना है बनाओ। ठीक है, बट उन्होंने एक्नॉलेज बनाई ब्रिटिश क्वीन के लिए बिकॉज वो सोवेरन पैरामाउंट थी, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि मतलब तुम्हें जो ब्रिटिश क्राउन है उसको तो थोड़ा तुम्हें मतलब ध्यान देना ही पड़ेगा, और जो भी इंडियन रूरल्स होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही आएंगे। ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि जो भी इंडियन शोल्डर के प्रपोर्शन है आर्मी में उसको रिड्यूस किया जाएगा और यूरोपियन शोल्डर्स है उनको बढ़ाए जाएंगे, मतलब इंडियन जो सिपाही है वो कम और ब्रिटिशर्स के सिपाही ज़्यादा। ठीक है, और जो लैंड और प्रॉपर्टी है मुस्लिम्स की उनको भी कन्फिस्केट किया गया और बड़ी बड़ी स्केलों में, और फिर से उनको मतलब सस्पिशन और हॉस्टिलिटी के साथ उनको मतलब ऐसे ट्रीट किया गया। तो फिर ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा कि वो इंडिया के जो भी कस्टमरी रिलीजन्स है और सोशल प्रैक्टिसेस है उनको रिस्पेक्ट देंगे, पॉलिसीज बनाएंगी ताकि जो भी लैंड लॉर्ड और ज़मींदार है उनको सिक्योरिटी मिले उनके लैंड के ऊपर और उनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, 1857 में हिस्ट्री का एक नया फेज बिगिन हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी सी केस स्टडी है एंड हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रही है बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मेक श्योर यू वॉच द वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।